पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के पहले कारोबारी रोज तेजी का रुझान है। आज बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में 322 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। PSX वेबसाइट के मुताबिक तकरीबन 10:51 पर KSE 100 इंडेक्स 322 पॉइंट्स या 0.5% बढ़कर 65,138 पर पहुंच गया। वाजिया रहे कि 15 मार्च को हफ्ते के आखिरी कारोबार रोज इंडेक्स 247 पॉइंट्स कमी के बाद 64,816 पर बंद हुआ था। इससे एक रोज कबल बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में 1015 पॉइंट्स इजाफे के बाद 65,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई थी। वाजिया रहे कि 14 मार्च को KSE 100 इंडेक्स 753 पॉइंट्स या 1.16% कमी के बाद 64,048 पर बंद हुआ था। अक्सीर रिसर्च के डायरेक्टर अवैस अशरफ ने कमी के रुझान को सरमायाकारों के IMF मुजाकरात के बारे में मोहतात रवैये से जोड़ा था, जो नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर क्यादत शुरू हो रहे हैं, जिन्होंने इस साल को एक मुश्किल दौर करार दिया। उन्होंने मजीद कहा था कि रमजान मुबारक की आमद के मौके पर महंगाई का दबाव भी बढ़ा है, जो हसास कीमत इंडेक्स से देखा जा सकता है, जिसके नतीजे में आइंदा जरी पॉलिसी इजलास में शरा सूद की कमी के इम्कान कम हो गए हैं।